हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है गाइस, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा अटैक किया गया। मैं हूँ रितेश सिंह। आज हम इसी टॉपिक के बारे में काफी कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हाल ही का बताया जाता है गाइस, टोटल अभी तक 8 लोग मारा गया यहाँ पे। हाल ही का हम इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, बता भी यहाँ पे तो चीन के द्वारा गाइस 2 बिलियन लोन यहाँ पे दिया गया। किसे? तो पाकिस्तान को दिया गया। हाल ही का इससे पहले भी कई सारा लोन ले चुका है पाकिस्तान चीन से। यहाँ पे नाउ पे हम ये देखने वाले कि ग्वादर पोर्ट पे बार बार क्यों अटैक किया जाता है बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा। हम एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ग्वादर पोर्ट को देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे नाउ गाइस, ये है अपना प्यारा सा भारत, और भारत का ही पार्ट पहले गाइस पाकिस्तान हुआ करता था। और पाकिस्तान का यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गाइस ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पे, इस मैप से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। सपोज ये गल्फ कंट्री वाला पार्ट है, या चीन को कोई सामान यहाँ पे देना हो, या चीन को यहाँ से कोई सामान लेना हो, सपोज डेट आप कुछ पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे। तो मान लीजिए पहले क्या था कि ये ग्वादर पोर्ट विकसित नहीं था, पहले पाकिस्तान से इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं हुआ करता था, तो पहले चीन इस होके ऐसे जाया करता था यहाँ पे। और ऐसे जाने में चीन को काफी करोड़ों रुपया खर्च होता था यहाँ पे, जिससे चीन को यहाँ पे कोई सामान लाने में भी काफी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता था यहाँ पे। लेकिन ये ग्वादर पोर्ट बन जाने के बाद चीन के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या होता था कि ये ग्वादर पोर्ट के रास्ता से मान लीजिए यहाँ से कोई सामान लिया, ये ग्वादर पोर्ट पे आया, और फिर जो रेलवे लाइन के द्वारा ये अपने सीधा चीन में अपना सामान पहुंचा दिया है। और कासागार जानते हैं कि फ्यूल वगैरह जो ज्यादा है वो भंडार कहाँ पे रखते हैं, कासागार वाले क्षेत्र में ही रखते हैं। तो पहले काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ तक आना पड़ता था, तो काफी ज्यादा कॉस्ट खर्चा होता था। लेकिन ये बनने से कहीं ना कहीं चीन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। और इस एरिया के लिए, ग्वादर पोर्ट के लिए चीन काफी करोड़ों रुपया देता है पाकिस्तान को कि भैया आप हमसे पैसा लो, लेकिन बोलोगे कुछ नहीं, हम जो ग्वादर पोर्ट पे कर रहे हैं वहां पे करने दो। तो फिर बलूचिस्तान आर्मी परेशान क्यों? देखिए, बलूचिस्तान अगर हम बात करने गए, ग्वादर जो पोर्ट है वो बलूचिस्तान में ही पड़ता है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है। जैसे कि उनका जो पहले मछली वगैरह मारा करता था यहाँ पे, ये अरेबियन सागर में यहाँ पे, तो वो मछली वगैरह अब नहीं मारा करते। क्यों? क्योंकि वहाँ के चाइना का एंट्री हो चुका है, और चाइना लोग उनको भगा देते हैं कि भागो यहाँ से, ये स्पोर्ट पर अभी काम चल रहा है। तो जो इनका रोजी रोटी था वो सबसे पहले मारा गया यहाँ पे। इनके अलावा जो बलूचिस्तान में गए, काफ़ी कुछ अत्याचार किया जाता है, ना स्कूल है ना कॉलेज है, मतलब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। कंपेयर कर लो पाकिस्तान के और वाले क्षेत्र, जैसे कि पंजाब वाले क्षेत्र से, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसी कारण से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और अक्सर, पहली बार नहीं है, पे अक्सर यहाँ पे देखोगे ग्वादर पोर्ट के पास यहाँ पे अटैक किया जाता है बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा। यहाँ पे केवल गैस ग्वादर पोर्ट पे ही नहीं, आप रिसेंटली पिछले मंथ ही मैंने एक वीडियो भी कवर किया था कि इलेक्शन के दौरान भी बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा अटैक किया गया था, क्योंकि उनको सीधा जो भी पाकिस्तान का सरकार है उनका विपक्ष में वो काम करता रहता है यहाँ पे। खैर, हम कुछ ग्वादर पोर्ट के बारे में यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट गैस लगभग, अगर हम बात करें, कई फेज में किया जाना है। जैसे कि पहला फेज का काम 2002 से लेकर 2030 तक होना था यहाँ पे, इसी तरह दूसरा फेज है और तीसरा फेज है। इस फेज में क्या बेनिफिट होने वाला है, जो बर्थ होता है ना, बर्थ मतलब हम आपको दिखा देंगे किन्हें बर्थ बोलते हैं। फेज वन में बात करने वाले 50 बर्थ बनाया जाएगा, जो कि 2037 तक 100 बर्थ, और लगभग फेज थ्री में बात करेंगे लगभग 150 बर्थ बनाया जाएगा 2045। ये बर्थ किसे बोलते हैं, यहाँ पे एक प्लेटफार्म समझ लें, जो शिप वगैरह आता है यहाँ पे, जो अरब सागर में या काफी सारे कंट्री से शिप वगैरह आ गए, तो यहाँ पे आके रुक सकेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आके रुक सकेगा, ये प्लेटफार्म जैसे होते थे। ये प्लेटफार्म जैसे कि आके ट्रेन वगैरह रुकती है ना, फिर सामान सब उतारो यहाँ पे, तो बस इसी तरह इनको बर्थ बोलते हैं यहाँ पे, जो भी पोर्ट वगैरह होता है वहाँ पे। तो काफी सारे इस तरह बनाया जाएगा यहाँ पे लगभग 150, मतलब एक यहाँ पे बात करने वाले, ये ग्वादर पोर्ट विकसित होने से पाकिस्तान का तो इनकम होता ही होता, साथ में चीन को भी काफी ज्यादा इनकम होता। लेकिन जिस हिसाब से गैस यहाँ पे काफी ज्यादा अटैक वगैरह किया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि चीन को काफी ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पे। जितना एक्सपेक्टेशन किया था वो एक्सपेक्टेशन चीन को मिल नहीं पा रहा है यहाँ पे, बाकायदा और लॉस ही देखने को मिलता है। और सिर्फ इसको ही लॉस नहीं, पाकिस्तान को भी यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। ये कुछ गैस इमेज है, तस्वीरें हैं, कुछ देख सकते हैं, ये कुछ ग्वादर पोर्ट का यहाँ पे। तो इससे चीन काफी ज्यादा गैस परेशान तो है ही, और जितना सोचा था आई थिंक इतना हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेटेड आएगी तो हम आप लोग के बीच जरूर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।